वेलकम बैक फ्रेंड्स टू साइंस एंड कोडिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड सम एंगल विथ हॉरिजेंटल विथ हॉरिजॉन्टल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी इनिशियल यू वेलोसिटी से कि थीटा एंगल पे थ्रो हुई तो एक कर्व पाथ फॉलो करेगी और जो पाथ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस लिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। और जितना डिस्टेंस ही कवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेगी उसको बोलते हैं हम रेंज आर, और जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाई डायरेक्शन में कवर करेगी उसको हम बोलते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट एच। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अगर यू का कॉम्पोनेंट अगर एक्स डायरेक्शन में ले तो ये होगा यू कॉस थीटा। सिमिलरली यू का डायरेक्ट यू का कॉम्पोनेंट अगर वाई डायरेक्शन में ले तो ये होगा यू साइन थीटा। तो अब हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। बट उससे पहले एक बार इक्वेशन देखते हैं हम कौन कौन से इक्वेशन यूज करने वाले हैं। हम बेसिकली यूज करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन वी इजिकल टू यू प्लस ए टी एंड एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड फाइनल वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ई एस। ये थ्री इक्वेशन हैं जो कि हम यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो फर्स्ट निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर इजिकल टू टू कॉम्पोनेंट है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, तो ये हो गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। तो ये तो है यू एक्स, यू है यू वाई और ये है यू एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम टी पे अगर इसकी वेलोसिटी पूछा जाए तो वो होगी हमारी वी वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। तो वी वेक्टर इजिकल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और यू वेक्टर की वैल्यू डाल देनी है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप प्लस एसिलेशन की वैल्यू कितनी है माइनस जी जे कैप टी। जो एसिलेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि जी होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप आ जाएगा, इसलिए माइनस जी जे कैप। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा
आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, तो यही वेलोसिटी एट सम टाइम टी। अगर इसमें कभी पूछे वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो निकालते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक उससे पहले ये देख लो, अगर वी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सिंपली इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो क्या हुआ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। सिमिलरली अगर यू का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो होगा यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा होल स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि सिंपली यू के इक्वल आया। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जी हो जा रही है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इधर सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होती तो ये थोड़ा और वाई डायरेक्शन में आता, पर वाई डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट जीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा वाई डायरेक्शन में, इसलिए सिर्फ वेलोसिटी यू एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब इस टाइम पे कितना होगा, हाफ रेंज ये कवर कर चुका होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम होगा टी हाफ। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लेगा टी हाफ। तो अगर टी हाफ अगर हमें पता लग जाए तो हम टू से मल्टीप्लाई करके टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले टी हाफ निकालते हैं। तो टी हाफ पे वी वाई जीरो है, तो वी वाई की वैल्यू क्या थी यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये कौन सा टाइम है टी हाफ, हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ, तो जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी। ओके फ्रेंड, तो एक बार इनको सबको ब्रैकेट में, एक बार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी एंड देन टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ द फ्लाइट। जैसे यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया है कितना मैक्सिमम हाइट तक रीच हो रहा है, एच कैपिटल एच। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते पहले एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हाइट कैलकुलेट करनी है तो वाई 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 तीनों कंपोनेंट वाई के आएंगे। ठीक है, अब यहां से लेकर जो टाइम लग रहा है एच हाइट पे जाने पे वो टी हाफ है, ये टोटल कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टी हाफ आएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं एस वाई की वैल्यू, जो वाई डायरेक्शन में हाइट है एच। यू वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा। टी हाफ कितना है, टी हाफ है यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, प्लस हाफ एसिलेशन में वाई कितना है माइनस जी। टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करके, इसकी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो ये रहा मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ द फ्लाइट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है रेंज ऑफ द फ्लाइट, रेंज आर एन जी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम आर से, मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में
कितना ट्रेवल किया है। तो रेंज के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी ऊपर हाइट के लिए यूज किया है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इस टाइम पे हमें यूज करना है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो सिंपली फॉर्मूला बनेगा यू इंटू टी। तो एस एक्स की जगह रेंज आर, यू इन एक्स डायरेक्शन कितना था, यू कॉस थीटा, और इधर टी की जगह टोटल टाइम आएगा क्योंकि टोटल टाइम में ये पूरी रेंज कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टोटल टाइम टी। तो यू कॉस थीटा टोटल टाइम की वैल्यू थी 2u साइन थीटा बाय जी। तो जो आर की जो वैल्यू फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये बना हमारा रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मीन्स की नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें ही जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, जो कि एंगल एट टाइम टी। जैसे कोई प्रोजेक्ट एल प्रोजेक्ट किया है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी कोई वेलोसिटी होगी वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा ये हमें पूछा है किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद में इसका हॉरिजेंटल से एंगल कितना है। तो टेन एल्फा लेके चलते हैं, टेन एल्फा इजिकल टू वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी थी, और वी एक्स कितना था, यू कॉस थीटा। तो इसको सेपरेट करेंगे तो यू साइन थीटा डिवाइड बाय यू कॉस थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। तो टेन एल्फा की वैल्यू कितनी आई, टेन एल्फा आया यू से यू कैंसिल, टेन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। तो आया एंगल एट टाइम टी विथ हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट थिंग, लास्ट चीज बच रही है जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम सॉल्व कर सकते हैं इन मैनी केसेस। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है वो किसी यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो किसी थीटा एंगल पे, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में किसी टी टाइम के बाद में। अभी जो टी टाइम है टी हाफ भी हो सकता है, टी कंप्लीट भी हो सकता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो सकता है, पर हम ले रहे हैं कोई जनरल टाइम टी पे। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, जो रिलेशन होगा एक्स एंड वाई में वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले निकालते हैं एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी होगा, यू एक्स इंटू टी होगा। तो यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब टी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है। और जो वाई होगा वो कितना होगा, वाई निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, और वाई डायरेक्शन में जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा वाई, क्योंकि ये कुछ वाई डायरेक्शन वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और यहाँ पर कुछ एक्स है। तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये सारे वाई कॉम्पोनेंट लेने, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी, एसिलेशन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी की वैल्यू रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी की वैल्यू रखते हैं, यू साइन थीटा टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आएगी,
y की वैल्यू आएगी टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है ये इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और अगर इसको देखें तो ये फॉर्म किसकी है, वाई इजल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि ये पैराबोला फॉर्म। तो इसलिए जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके केसेस पे। तो फर्स्ट केस है कि कोई एच हाइट का टावर है और वहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी पार्टिकल को दी गई है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी कुछ इस प्रकार की होगी और हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। सेकंड जो केस है वो है कि टू टावर्स हैं, एच1 और एच हाइट के। सेकंड केस, एच1 और एच हाइट के टू टावर्स हैं, ठीक है। उसकी वेलोसिटी दी गई है सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो H2 आवर है उसके ऊपर आके ये स्ट्राइक कर रही है बॉल या फिर जो भी पार्टिकल है। तो हमें उससे रिलेटेड केसेस पढ़ने, मीन्स उससे रिलेटेड वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड जो थर्ड केस है वो है कि हॉरिजॉन्टल से किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल थ्रो किया गया है और हाइट ऑफ द टावर कोई एच है, तो उससे रिलेटेड केस। फोर्थ केस है कि अगर हॉरिजेंटल से अपवर्ड डायरेक्शन कोई थीटा एंगल पे पार्टिकल थ्रो किया जाए। एंड फिफ्थ एंड फाइनल केस है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई पार्टिकल थ्रो किया जाए किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, और जहां पर जरूरत होगी इनके क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं फिर। तो इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाए तो यू वेक्टर कितना होगा, यू आई कैप, वाई डायरेक्शन को वेलोसिटी ही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, सेम यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, जो पहले जो मेथड यूज किया था, तो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, यही फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो एस वाई यू इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में कितनी है, जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द फ्लाइट कितनी हुई, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाइट है जो कि डिक्रीज हो रही है, अगर यहाँ पर ओरिजिन लेके चले तो नीचे डाउनवर्ड से डायरेक्शन में हाइट डिक्रीज होगी, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टी इज इक्वल टू टू एच बाय जी का अंडर रूट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार प्रोसीजर देखो कि कैसे प्रोसीड करना है। बाकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी चेंज हो सकता है। तो एक बार मेथड देख लो कि कैसे हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, अगर रेंज निकालनी तो आर, तो ये जाएगा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है, सिंपली यू, और टी कितना है, टी एच बाय जी। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एच हाइट, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, आर, सब कुछ निकालने का, ठीक है। सेकंड केस है कि अगर दो टावर्स हैं एच वन और एच टू हाइट के, और यहाँ से कुछ प्रोजेक्टाइल थ्रो करके इसके टॉप पे अगर थ्रो किया जाए, तो इस वाले केस में क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लाइन खींचो और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, एच वन माइनस एच टू। तो जो एच वन माइनस एच टू है वो ही तो इसकी हाइट है फर्स्ट वाले केस की, मीन्स कि ये फर्स्ट वाले केस के सिमिलर हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशंस में सिंपली एच इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू पुट करने से हमारे सारे जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल टावर है एच हाइट का,
और वेलोसिटी दी गई है पार्टिकल को थीटा डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कुछ यू वेलोसिटी लेके चलते, तो ये कुछ ऐसा कर फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला है, आप पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर वेयर इट विल स्टार्ट। ठीक है, और टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 1500 मीटर, और जो थीटा है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल वो दे रखा है 37 डिग्री, और इसकी जो वेलोसिटी है यू वेलोसिटी कितनी है, 500 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन। अब हमें फाइंड करना है कैसे ये कुछ पाथ फॉलो करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल करने वाला है, इसको कुछ एक्स नेम देते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें पहले वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो यहाँ हो गया यू कॉस 37, यहाँ हुआ यू साइन 37। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स कितना होगा, यू इन एक्स इंटू टी, तो यू कॉस 37 इंटू टी, तो यू की वैल्यू हमें दे रखी है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, जितना टाइम ये अपसाइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा मीन्स स्ट्राइक करेगा उतना ही टाइम लगेगा इसको एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में इन एक्स डायरेक्शन। तो अब ये इक्वेशन लगाते हैं हम वाई डायरेक्शन के लिए, एस वाई इज टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर सारी डायरेक्शन नेगेटिव में है, हाइट भी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है एंड एक्सीलेशन भी डाउनवर्ड है, तो सब में माइनस माइनस आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन होगी वो पॉजिटिव में आएगी। 500 यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू इंटू साइन 37 डिग्री प्लस हाफ एक्सीलेशन 10, टाइम कितना है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा टी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 500 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 500 डिवाइड बाय 3, साइन 37 की वैल्यू 3/5, टी प्लस हाफ इंटू 10 कितना हो, 5 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 5 से 100, 5 या 20 और यहाँ 300, तो इक्वेशन क्या बनी, 300 इज इक्वल टू 20 टी प्लस टी स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू टू वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमें लेना 20 सेकेंड जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब टाइम आ गया तो एक्स की वैल्यूज भी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू यू कॉस 37 इंटू टी, यू की वैल्यू 500 डिवाइड बाय 3 इंटू कॉस 37 कितना होता है, 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है, इंटू टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड, आंसर फाइनल आ जाएगा 5 × 100 एंड 4 × 2 = 8, 8000 डिवाइड बाय 3, जो कि फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स कि कितना डिस्टेंस पे स्टैक करेगा, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे स्टैक करेगा। अब जो नेक्स्ट केस है वो देखते हैं, फोर्थ केस जो था कि किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे विथ हॉरिजॉन्टल अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल को थ्रू किया जा रहा है, तो ये हमारा फोर्थ केस, थोड़ा पैराबोलिक है। ठीक है, तो इसमें भी सेम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है, तो चलो ये एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बॉल इज थ्रोन
फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ 61 मीटर हाई विथ अ वेलोसिटी ऑफ 24.4 मीटर पर सेकेंड। ये जो यू वेलोसिटी है दे रखी 24.4 मीटर पर सेकेंड विद एट एन एलिशन ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंगल अबव द ओरिजेंटल। वाट इज डिस्टेंस फ्रॉम फुट वेयर इट विल हिट, मीन सेम कि अगर ये जब ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा तो कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन। पहले वाई डायरेक्शन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो एच है वो लेना है हमें -61। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव में तो जाइए प्लस यू sin 30। ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ एसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन से माइनस जी ले लिया टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करें तो 61 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 24.4 माइनस 61 इज इक्वल 24.4 इंटू sin 30 1/2 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 t² 5 जाएगा 12.2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस थीटा इंटू टी, सेम प्रीवियस मेथड है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यू कॉस थीटा की वैल्यू, यू की वैल्यू 24.4 कॉस 30 √3/2 इंटू टाइम, टाइम कितना आया 5 सेकेंड। तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी हो गया। अब देखते हैं लास्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ एंड लास्ट केस, जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रोन किया जाए अबव द इंक्लाइन प्लेन। ओके फ्रेंड, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करना है, ऐसे वाले केस में अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं अगर वो करें तो केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस केस को सिंपल बनाने के लिए हमें लेना होता है एक्स अलोंग द प्लेन एंड वाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसा कि हमने पहले भी देखा है एनएलएम के केस में। ठीक है, तो अब देखो अगर ये एंगल, अगर थीटा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, और एल्फा है विथ रेस्पेक्ट टू, एल्फा है वेज का एंगल, तो जो एंगल होगा बिटवीन वेज एंड पार्टिकल वो कितना होगा, थीटा माइनस एल्फा। तो अभी केस हो गया हमारा सिंपली जैसा अभी हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड केस में, ये वाला हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया और थीटा एंगल निकाल लिया, थीटा माइनस एल्फा इस वाले केस में। ठीक है, तो अब देखो अगर यू कोई यू वेलोसिटी से अगर इसको थ्रो किया जा रहा है पार्टिकल को, यू वेलोसिटी है ना, तो अब यू एक्स कितना होगा, यू एक्स होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। समझ आ गया कैसे, यू को अलोंग एक्स यू एक्स हो जाएगा और अलोंग वाई यू वाई हो जाएगा, और थीटा माइनस अल्फा है प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल। ठीक है, पर इस केस में एक ध्यान रखने वाली बात है कि इस वाले केस में एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन भी होगा, और वो कैसे होगा वो एक बार देख लो। पार्टिकल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लगना है, इस वाले ये वाला एंगल कितना होगा, एल्फा होगा, अगर वेज का एंगल एल्फा है तो जी कॉस एल्फा, इस वाले डायरेक्शन कितना आएगा जी साइन एल्फा। तो इस वाले केस में एसिलेशन आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में जो कि होगा माइनस जी कॉस एल, सॉरी साइन एल्फा, माइनस जी
साइन अल्फा। सिमिलरली एक्सेलरेशन में वाई डायरेक्शन बचेगा माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में पता है कि यहाँ अगर वाई अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यूज करनी है, ये इक्वेशन यूज करनी है, और सिंपली अगर कुछ भी पूछा जाए, यू पूछा जाए तो निकाल देना है। वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट, सब कुछ हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था पूरी स्टोरी प्रोजेक्ट एल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।